जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा एवं पूजन विधि। नवरात्रि के सप्तम दिवस माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। काली का स्वरूप भयानक है, लेकिन यह हमेशा शुभ प्रदान करने वाली है, इसलिए इनको शुभ काली भी कहा गया है। शुभ निशुम व रक्त बीज का वध करने के लिए माता दुर्गा को काली रात्रि का स्वरूप धारण करना पड़ा। माता काल रात्रि कृपा बरसाने वाली देवी है और यह शिव भक्ति प्रदान करने वाली देवी है। माता में अनंत ब्रह्मांड की शक्ति विराजमान है। इस स्वरूप की पूजा से माता की अविरल व अखंड भक्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप ऐसा है कि माता के इस स्वरूप की उपासना करने से भक्ति व वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। इनका नाम जगत जननी महाकाली भी है। माता ब्रह्मांड की अनंत शक्ति स्वरूपा देवी है। काली उपासना निश्चय व केवल माता पर ही समर्पित भाव से करना चाहिए। इस दिन साधक का मन केवल व केवल माता कालरात्रि के स्वरूप पर ही स्थित होना चाहिए। भक्तों को माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। माता काली का तन अंधकार के समान काला, सांसों से अग्नि निकल रही है। माता के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल व विशाल है। माता काली के चार हाथ है, एक में तलवार, दूसरे में लौहस्त्र, तीसरा हाथ अभय मुद्रा व चौथा वर मुद्रा में है। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड की समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचा वाला भाग अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन इस सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। एक ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु
शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है।